बिहार के रोहतास जिले में अवैध शराब पर महिलाओं का अचानक से गुस्सा फूटा है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने अवैध रूप से चल रही शराब भट्टियों पर हमला कर दिया और भट्टियों को तोड़ने लगे। वहां मौजूद शराब के अवैध धंधेबाजों को भी उन्होंने खदेड़ दिया। महिलाओं और गांव के लोगों में पुलिस के रवैये को लेकर जबरदस्त रोष। अरे हम तो शुरू से लगे हुए हैं कि दारू नहीं बनना चाहिए। हम जिला अध्यक्ष हैं, ग्रामीण चिकित्सक के अभी नौखा में रहते हैं, लेकिन मेरा घर यहीं है। लेकिन प्रशासन के चलते यहाँ दारू बनता है। यहाँ जो है हम लोगों से हमसे मार हो गया था। दारू रोकने के लिए हमारे कपार पर लाठी लग गया था, हमारे लड़का कहाँ टूट गया था। दरोगा जी कहे कि केस मत कीजिए, इसलिए कि वो दारू वाला से पैसा लेते हैं। कौन कौन दरोगा जी? संतोष कुमार। क्या बोले? वो बोले कि केस क्या करना है, छोड़िए। लेकिन बार बार उनको कहने पर वो आते हैं और बिना नाम वाले को जो दारू नहीं बनाता है उसके घर की तलाशी लेते हैं, और जो बनाता है देखिए आज औरत जो है, औरत लोग गांव भर के मिल करके और सारा ही तसला डेक्ची बाहर से लाई है दारू बनाने वालों का। और अभी तक सुबह से 9:30 बज गया, अभी तक दरोगा जी को खबर किया गया है। बता दें ये मामला रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के नटवार थाना क्षेत्र का। यहाँ के करहसी के बिशुनपुर टोले में शराब का अवैध निर्माण होता था। शुक्रवार को महिलाओं का गुस्सा अचानक फूटा और सैकड़ों की संख्या में जुटी महिलाओं ने शराब की भट्टियों को तोड़ना शुरू कर दिया और उन भट्टियों से वहां के संचालकों को भी खदेड़ दिया। इन महिलाओं और ग्रामीणों ने गांव में घूम घूम कर कई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और बंद करवाया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा जारी मद निषेध वाले टोल फ्री नंबर पर फोन कर शिकायत की जाती है तो पुलिस गांव में आकर निर्दोष लोगों को ही पकड़ ले जाती है। ऐसे में ग्रामीणों ने निर्णय किया है कि अब पुलिस के भरोसे नहीं रहना है और भारी संख्या में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने हर टोली में जाकर शराब की चल रही तमाम भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया।